ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी और वो भिंडी के खेत में काम करती थी। वो अपने कमाए हुए पैसों से अपना और अपनी बीमार माँ का खर्च पूरा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के पास सिर्फ एक लिपस्टिक थी जो उसे बेहद पसंद थी। वो अमूमन अपनी माँ से उस लिपस्टिक के बारे में पूछा करती थी, लेकिन उसकी माँ उसे कोई जवाब ना देती थी। टुनटुनी चिड़िया रोज़ाना सुबह काम पर जाते हुए उसको देख कर जाती थी। बेटा, मेरी सारी दुआयां ख़त्म हो गई हैं, आते समय लेती आना। तुम्हें तो पता है ना कि अगर मैं दुआयां ना लूं तो मेरा सांस फूल जाता है। हाँ हाँ माँ, मुझे पता है, आप फिक्र ना करो, मैं शाम को आते हुए आपकी दुआयां लेती आऊंगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया काम पर चली जाती है। वहाँ जाकर टुनटुनी चिड़िया खेत को पानी देती है और जो भिंडी तैयार हो जाती है उस सब को तोड़कर एक टोकरी में डाल देती है। इसी तरह वो काम में मसरूफ़ होती है कि इतने में उसकी मैडम वहाँ आ जाती है और कहती हैं, टुनटुनी, आज का काम पूरा हो गया है या कुछ बाकी रहता है? जी मैडम जी, सारा काम तकरीबन खत्म हो गया है। ठीक है, तो फिर ये लो अपने पैसे और आज से मैंने इस काम के लिए अपने भाई को रख लिया है। लेकिन मैडम जी, मेरा कसूर क्या है? मेरे ऊपर ये जुल्म ना करें, मेरी बीमार माँ का क्या होगा? देखो टुनटुनी, मेरी अपनी भी मजबूरी है। मेरा भाई काफ़ी अरसे से बेरोज़गार है और उसके घर में भी फाके हो रहे हैं। अगर मैंने उसे काम पर ना रखा तो वो और उसके बच्चे मर जाएंगे। तुम बेहतर है अपने लिए कोई और काम ढूंढ लो। टुनटुनी चिड़िया ये सब सुनने के बाद बोझिल दिल के साथ माँ की दुआयां लेकर घर लौट आती है। टुनटुनी चिड़िया को उदास देखकर उसकी माँ वजह पूछती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर टुनटुनी की माँ कहती है, चलो बेटा, जो हुआ अच्छा हुआ। ऐसे भी सारा सारा दिन भिंडी के खेत में काम करना आसान बात नहीं, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपना व्यापार करे। लेकिन माँ, हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कोई अपना कारोबार कर सकूं। बेटा, मेरे पास लिपस्टिक की खेती के बीज हैं जो मुझे तुम्हारे नाना ने दिए थे। तुम उन्हें अपने आंगन में दबाना और लिपस्टिक की खेती करना। लेकिन माँ, लिपस्टिक की खेती कैसे मुमकिन है? मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जब एक दफ़ा मैंने वो बीज बोया तो उस पेड़ के साथ 3 लिपस्टिक उग आई। मैंने एक खुद रखी और 2 अपनी सहेलियों को दे दी। फिर उसके बाद मैं बीमार हो गई और लिपस्टिक की खेती ना कर सकी। फिर टुनटुनी चिड़िया उन लिपस्टिक के बीजों को अपनी माँ के कहने पर अपने घर के आंगन में दबा देती है और फिर थोड़े ही दिनों में लिपस्टिक के पेड़ के साथ लिपस्टिक उग आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। और फिर टुनटुनी चिड़िया लिपस्टिक का व्यापार करके अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और वो और उसकी माँ हंसी खुशी रहने लगती हैं।
एक अंधेरी रात में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को अपने साथ लिए जा रही थी। वो अपने लिए आशियाने की तलाश में थी। बादल जोर से गरज रहे थे और बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया को अपनी और अपनी बेटी के सर छुपाने के लिए छत की तलाश थी। सर्दी बढ़ रही थी और टुनटुनी चिड़िया परेशान जंगल में आगे की तरफ उड़े जा रही थी। इतने में उसे एक छोटा सा टूटा फूटा टॉयलेट दिखाई देता है। वो अपनी बेटी को लेकर उसमें चली जाती है। जब तक मुझे कोई छत नहीं मिल जाती, मुझे यहीं रहना होगा। साथ में अपना और अपनी बेटी का पेट भरने के लिए मुझे काम भी करना होगा। और जब तक मुझे काम नहीं मिल जाता, ये टॉयलेट ही मेरा घर है। फिर वो रात उसी टॉयलेट में गुजारती है। अगले दिन टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर काम की तलाश में निकल जाती है। रास्ते में उसे एक पक्षी दिखाई देता है। वो जल्दी से उसके पास जाती है। अरे पापू, मुझ गरीब माँ पर दया करो और कोई काम ही दे दो। मुझे अपनी इस मासूम बेटी का पेट भरना है। अरे मैं तो खुद एक चोर हूँ और मुश्किल से चोरी करके कमाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मुश्किल से चोरी करके तुम्हें दे दूं। जाओ भागो यहाँ से। बाबू, चोरी करना बुरी बात है। तुम भी मेहनत से कमा कर खाओ, क्योंकि चोरी एक बहुत बुरी आदत और फेल है। लेकिन कालू चोर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। काफ़ी देर टुनटुनी अपनी बेटी को साथ लिए अपने लिए काम ढूंढती रहती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। आखिर तंग आकर वो अपने टॉयलेट के घर चली जाती है। अगले दिन वो अकेली ही काम की तलाश में निकलती है कि रास्ते में उसे एक जगह सिठानी कबूतरी बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है। उसके पास एक बैग होता है। टुनटुनी चिड़िया उससे उसका एड्रेस देखकर कबूतरी को अपने घर तक ले जाती है। घर पहुंचकर कबूतरी को होश आ जाता है। तुम मेरी अपनी नहीं हो, फिर भी तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मालकन, मेरा नाम टुनटुनी है और मैं अपनी बेटी का पेट पालने के लिए काम ढूंढ रही थी कि रास्ते में एक जगह आपको बेहोश देखा, तो आपके बैग से आपका एड्रेस देखकर आपको आपके घर पहुंचा दिया। अच्छा, तो टुनटुनी तुम कौन कौन से काम कर सकती हो? मालकन, मैं हर तरह का काम कर सकती हूँ, बस मुझे अपना और अपनी बेटी का पेट भरना है। ठीक है, तुम कल से मेरे घर का सारा काम कर देना। मैं तुम्हें रहने के लिए जगह भी दूंगी और तुम्हारी बेटी और तुम्हें रोज़ाना का खाना भी दूंगी और अच्छा खासा मुआवजा भी दूंगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और फिर वो थोड़ी ही देर में अपनी बेटी को लेकर अपनी मालकन के घर आ जाती है और फिर अपनी बेटी के साथ उसी घर में खुशी खुशी रहने लगती है।